हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मेनका ब्लॉग। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि बेबीज़ को अगर सर्दी ज़ुकाम होता है या खांसी होता है तो घर में क्या किया जाए कि उनको थोड़ा सा आराम मिले। खांसी और सर्दी में एक्चुअली होता क्या है कि बेबी को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और वो एक घरघराहट की घरघराहट जैसी एक आवाज़ आती है और बार बार बच्चे नींद से जागते हैं, तो इसमें ना केवल बच्चे परेशान होते उनकी नींद नहीं पूरी होती एंड दैट्स व्हाई दे गेट क्रैंकी नेक्स्ट डे। इवन पेरेंट्स आल्सो गेट सफर, वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं बच्चों को देखने में। तो इन सब का घर पे आप क्या चीज़ कर सकते हैं, घर पे आप एक विक्स वेपर रखिए। ये देखिए विक्स वेपर, अब ये बेबी रब है, ये बच्चों के लिए ही बनाई गई है। ये विक्स ब्रांड है एंड उसके लिए चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि बेबी 3 मंथ से अबव हो। 3 मंथ से कम का अगर बेबी होता है तो उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो ही आप यूज़ कीजिए। और उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं और एक्चुअली ये हर्बल है, दैट्स व्हाई मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। इसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल है, लेवेंडर और रोजमेरी ऑयल है। इनके फ्रेग्रेंसेस है जो बेबी को उनकी इसकी खुशबू से ही उनका जो नोज ब्लॉक है वो उसमें काफ़ी उनको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है तो नींद भी बेबीज बहुत अच्छे से लेंगे। इसके साथ अगर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे घर पे आप क्या कीजिए कि हनी लीजिए एंड अदरक, हनी और अदरक को, हनी को लीजिए और अदरक को अच्छे से ग्रेट कीजिए और उसका जूस लीजिए 1 स्पून में, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 3 ड्रॉप इज़ मोर देन एनफ। तो हनी 2 से 3 ड्रॉप और जूस भी अदरक का, जिंजर का जूस 2 से 3 ड्रॉप लीजिए एंड दैट्स मोर देन एनफ। तो घर में ये दो चीज़ें बेसिकली आप ये बेबी रब यूज़ कीजिए और ये हनी और जिंजर का जूस जो आप मेडिसिन के तरह से दीजिए मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट टाइम, 3 बार दिन में 3 बार दीजिए और 3 से 4 दिन तक ये फॉलो कीजिए तो बेबी इसको काफ़ी आराम मिल जाएगा। और ये बेबी रब विक्स को इसको कैसे लगाना है, इसको बेसिकली फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि दे अप्लाई नियर द नोज, वो भी आपको नहीं करना है। अगर आप सिर्फ आपको नेक एरिया में, चेस्ट पार्ट में ही लगाना है अलोंग विथ फूट में आपको रब करना है, हैंड्स में रब नहीं करना है बिकॉज बेबी समटाइम्स पुट द हैंड इन द माउथ, तो वो मेडिसिन पेट में जाने का ज़्यादा चांसेस है, फेयर चांसेस है कि बेबी इसको इंजेस्ट ले सकता है, राइट। तो आपको हाथ में नहीं लगाना है, सिर्फ चेस्ट में लगाना है, नेक पोर्शन में स्लोली रब करना है सर्कुलर मोशन में कि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये सभी को शेयर कीजिए, मॉम्स को शेयर कीजिए स्पेशली जिनके छोटे बेबीज हैं। और अगर आपने मेरा चैनल विजिट नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।